अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज हम अपने इस लेक्चर में तौ और अलिफ का कम्बिनेशन करेंगे, इसी तरह तौ और बे को आपस में जोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहले हम तहरीफ ता लिखेंगे, तो और अलिफ को दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमारे पास अलिफ आ गया पहले, ये चीज़। अब इसी चीज़ से हम इसको अलिफ के साथ तो आप जोड़ेंगे, जिसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और कोशिश करें कि इस अलीफ से ये वाला अलीफ है जो थोड़ा सा नीचे ही हो। तकरीबन यूँ कर लें कि ये जो चीज़ है ना, ये कद हैं जो हमारे, इन कद से एक कद कम अज़ कम नीचे हो, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये फासला भी एक कद का होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो भी हमारा एक कद होगा, और ये सेंटर से जो होगा वो हाफ कद होगा। तो ये हो जाएगा हमारा तौलिफ का। इसी तरह हम फिर अलिफ ड्रा करेंगे, इसको अब हम सेम वही चीज़, इसको अब हम जोड़ेंगे बे के साथ इस तरह से। अब हम इसके साथ लगाएंगे बे यहाँ से, इस तरह से। ये चीज़ ये हमारा यहाँ पे एक हाथ लगाया, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम दोनों ने आपस में बराबर रखना है। ये वाला जो हिस्सा है, एक कोशिश करनी है कि आमने सामने जो दोनों कॉर्नर है ना, वो आपस में बिल्कुल बराबर हो, और ये वही 9 का थी या फिर 11 का। और 9 का थी, ये हो जाएगी हमारी बे, और साथ में तोए को जोड़ेंगे। इसी तरह हम बे लिखेंगे तोए के साथ। ये हमने बड़ी बे बनाई है जो 9 कद की या फिर 11 कद की होती है, तो इसके साथ हम जोड़ेंगे बे को जो 5 कद की होती है। ये सेम वही चीज़ है, इनको आपस में हम ऐसे जोड़ देंगे यहाँ तक। ये होती है हमारी 5 कद की। और ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है, कॉर्नर होता है, इसको हमने इसकी निस्बत सेकंड वाला इसकी निस्बत इसको टेढ़ा रखना है। ये नहीं करना कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है और ये भी सीधा लेके जाए, इसको हमने टेढ़ा रखना है, तभी इसमें खूबसूरती होगी, वरना लफ्ज़ में खूबसूरती नहीं होगी। इस तरह से तो ये हो जाएगा हमारा तिब। तो व्यूअर्स, आज की मशक में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेसन नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।